हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा छः का गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने 100 सेंटीमीटर। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो 1 लाख में 10,000 कितने 10,000 होते हैं, तो 1 लाख में 10 हो जाएंगे। 10,000 कितने 10 लाख। अगला देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो जो 1 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 94 का पूर्ववर्ती लिखना है, तो 94 का पूर्ववर्ती 93 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 1 है। क्या है 1। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो जो 23 है वो क्या है अभाज्य संख्या। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी अनेक हो जाएगा। 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है, तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है त्रिभुज। क्या कहलाता है त्रिभुज। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो एक रेखाखंड में कितने 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने 2। एक घूर्णन में कितने समकोण होते हैं, तो एक घूर्णन में 4 समकोण होते हैं। कितने 4। ये हमारे हैं सही स्थानों पे अल्प विराम लगाते हुए इन संख्या को अंकों में लिखना है, तो ये तीनों लिखे हुए हैं, तो तीनों के तीनों को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह क्या करना चाहता है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, तो 10,000 में 6980 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि उसे 3,020 रन की अभी आवश्यकता है। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं बतानी हैं, तो वो हो जाएंगी 11,000, 11,001, 11,002 हो जाएंगे। 14वां है, सत्य असत्य बताना है, जो भी सत्य हो तो सत्य बता देंगे, जो भी असत्य हो तो असत्य बता देंगे। तो ये जो पहला है ये सत्य है, दूसरा वाला असत्य और तीसरा वाला सत्य हो जाएगा। 5 के प्रथम 6 गुणज बताना है, जो भी 5 के प्रथम 6 गुणज हों तो बता देंगे कौन से हैं। 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो जो 30 का ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। नीचे दी गई आकृति के कोणों के नाम लिखना है, तो ये हमारे कोण हैं, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी हो जाएगा। 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखनी है, तो ये यहाँ पे हमारी लिखी हुई हैं। भाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं और अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं सभी लिखी हुई हैं, तो एक बार इन्हें देख लेना। अगला है, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु, तीसरा समबाहु होता है। यहाँ पे 20वें प्रश्न में न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण के क्या करना है, चित्र बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चित्र बना लेंगे, जो भी न्यून कोण हो, सम कोण हो और अधिक कोण होगा। अगला, निम्न किस आकार की हैं, उन्हें उनके नाम बताना है। आपका जो ज्यामिति बॉक्स है वो किस आकार का होता है, आ एक पासा कैसा होता है, साइकिल का पहिया कैसा होता है, सड़क बनाने वाला रोलर कैसा होता है, एक लड्डू ये कैसा होता है, बता देंगे। अगला प्रश्न है 22वां, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, देख लेंगे इसे।